दीदी के घर में आग लगने का मेन जो कारण है यही है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये हैलोजन है यही स्टार्ट किया, तो देखिए यहाँ पे जब स्टार्ट किया है तो यहाँ से बेड था, तो जब ये स्टार्ट किया तो यहाँ की चिंगारी बेड पे गिरी है और बेड का पूरा नहस हुआ है और जो सामान था सारा बर्बाद हो गया है। तो आप लोग वीडियो फुल देखिए तभी समझ आएगा। पूरा घर का कूड़ा निकाल दिए हैं और यहाँ पे देखिए हमारे अरविंद भैया आ चुके हैं जो कि हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं मस्त स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। हवा भैया कहाँ जाता हो कि हमारे हस्बैंड जी पता नहीं कुछ पढ़ लिख रहे हैं। इतना नंबर मिल गया आप लोग के साथ डालने के लिए, इधर भी हो गया। और सनी यहाँ पे अभी खाना खा के दवाई खा के बेचारे सीधा बैठा है तो वही जगह अब दिक्कत बात कैसी बैठी। अच्छा क्या तकलीफ है बाबू, कुछ ना भाभी बढ़िया एकदम मस्त। और यहाँ पे देखिए अभी चाय हम लोग पी रहे हैं जो कि अभी इतना टाइम कितना हो रहा है टाइम बताने जरा। टाइम 10 बज रहा है और अब जाके चाय ये लोग पी रहे हैं, वो भी इतना बोलने डांटने पे दोनों मियां बीवी अब जाके चाय पी रहे हैं। हम कहते हैं जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब से आप लोग हिम्मत बनाओ कि आगे कुछ करो और अच्छे से अपना, अगर खाना पीना छोड़ दोगे तो उससे दोबारा वापस आ जाएगा। कहो खाना पीना छोड़ ले वापस आ जाएगी भैया लोगन, कुछ तो वापस ना आए लेकिन तो मन में तकलीफ रहा ला ना, वो तकलीफ हमें इतना जल्दी ना जाए जो सोचत बताए आप सब, वही बात का तकलीफ बाकी इतने मेहनत से ब्रिज ग्रिज के बनाए ना। और एक फोन रखे थे उसमें इनकी पूरा पूरा ए टू जेड प्रूफ था ना। एक फोन रखे थे उस फोन में पूरा डाटा ये सेव करके रखे थे, वो फोन भी जल के खराब हो गया। कितना उसमें समझ लीजिए कितना उसमें डाटा जो रखे होते हैं समझ लीजिए कि हम लोग यूट्यूब वीडियो बनाना शुरुआत और उसी में सारा पूरा ए टू जेड पासवर्ड जीमेल सब मतलब सब कुछ उसी में था, वो भी हट गया। और ठीक हो जाए ठीक हां टेंशन ना लेते, ये बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता। रात भर रो रही थी दोस्तों, रात भर सोई नहीं है कि रात भर सोई हूं क्या करें दोस्तों, नींद नहीं लग रही थी तो फोन बार बार छत से फोन लगा रहे थे और आप लोग को देख के सो रहे थे तो हम नहीं परेशान ना खास ठीक हो जाए तो नींद नहीं लग रही थी अब क्या करें, देखने बहुत टेंशन हो रहा था। जाना लेने लेडीज रोए लगे लेकिन बाकी मर्द हिम्मत बनौले रहना था मर्द ना के सामने रहना हुआ था। भैया लोग जितना मेहनत से बनौले आनी ना हम ही जाना था ऊपर समझना, एको मिस्त्री लेबर ना लगल ना, टोटल पेंट पुट्टी जितना रहा डिजाइन डिजाइन कुल अपना कर ले रहनी, हमें तब तकलीफ होती है अभी भी उस चीज को बार बार सोच सोच के एक ही बात रखा। यहाँ पे अरविंद भैया सुने हैं, अरविंद भैया भी आए हैं बेचारे, कुछ भी होता है सुनते हैं तुरंत पहुँच जाते हैं। देखिए बहुत दुख की बात है, अब कोई भी इतना अपनी मेहनत से कमा करके लाख डेढ़ लाख रुपए का जिसका नुकसान हो जाए अचानक में तो बहुत दुख की बात है। और किस तरह से भाई अपना परिवार चला रहे थे भाई, कोई तो दुख बांट नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता, बस आने जाने से बस ये हो सकता है। चलिए ठीक है, लोगों को एक सहानुभूति मिल जाती है तो भैया समझावा देखा कब से परेशान बाटा माला ई मन थोड़ करती इनके तो हिम्मत चाहिए ना, यो मन थोड़ कर लेता हमें बार बार तो भाग करके आए हैं हम भी कि हिम्मत बना के रखिए। चलिए ठीक है जो हो गया, लेकिन आप सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित, टेंशन न ला बाकी सब ठीक हो जाए। इसी में पूरा डाटा था पूरा ए टू जेड जो निशानी है एक निशानी राखी में मिल गया है, इतना भयंकर समस्या का था जब एक मोबाइल पूरा एकदम राख मिल गया है तो कितना सामान के नुकसान भैलो ये आप लोग अनुमान लगा सकते हो। परेश सुरेश हम लोग किए थे मेहनत करके बना थे सब राखी में सब मिट्टी मिट्टी मिल गया, यही सारी बातें अब क्या बताया जाए क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग भी हिम्मत ही दे रहे हैं दोस्तों और बहुत लोग बोले कि अच्छा करें दीदी आप गई आप रहेंगी तो थोड़ा निशा दीदी को हिम्मत बढ़ेगा, तो वही सोच के हम आए थे कि हम रहेंगे तो थोड़ा निशा दीदी को हिम्मत मिलेगी। रात भर रो रही हैं समझा रहे हैं, कोई बात नहीं जो होना था वो हो गया है अब मत परेशान होइए। और बाकी का निशा दीदी के यहाँ पे बैठे हैं और सारा सामान निकाल के तो वहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ से देखिए दिखा रहे हैं अभी भी सारा सामान बारी छितरा रखे हैं। देखिए यहाँ पे मधु देखिए चाय वाय पी रही है और यहाँ पे भाभी बैठी हैं, यहाँ मोहिनी सुरका पे सुरका मारे जा रही है, रचतिन हो जा रही है, गांव में आती है तो रचतिन हो जाती है ना, है ना बोलो दाच जा रही है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ अभी ऐसे ही छितरा हुआ है, कुछ भी मतलब फ्रिज सुखर मनाइए फ्रिज नहीं दगा, बस यही हम लोग बहुत
अभी देखिए रात भर जान लीजिए सफाई करें तब पर भी अभी पूरा काला काला नहीं साफ हुआ। आज देखते हैं मोटर का पानी ला के। बताइए इतना प्यारा घर, इतना बुरा लग रहा है कि इतने मेहनत से बनाया हुआ घर, इतना हम भी मेहनत किए थे लेकिन हमको रहने को नहीं मिला। तो जब निशा दीदी का घर जला ना तो हमको अपना दिन याद आ रहा था कि हम भी इतना मेहनत किए थे लेकिन हमको रहने को नहीं मिला। तो शोर मचा रही है, पैंट भी छूट गया बेचारा। दोस्तों इसी से हुआ है जो भी हुआ है, इसी से हुआ है जो भी हुआ है। देखिए यहाँ जब वो स्टार्ट किया है तो इतने दूर देखिए कैसा हुआ है। जब वो स्टार्ट किया ना तभी मुझे लगता है यहाँ पे बेड था, देखिए वहाँ पे लाइट है और यहाँ पे सेम बेड था यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है जब वो स्टार्ट किया ना तो उस पर से चिंगारी गिरी है, तो यहाँ पे चिंगारी गिरने के बाद धीरे धीरे अपना आग का जगह बना लिया। और देखिए बोर्ड वोर्ड सब कुछ सच है, सही है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा है कि लाइट से कुछ सर मतलब बोलते हैं ना शॉर्ट हुआ, ये तार जल गया वो गया, कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसी से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बाकी का देखिए बोर्ड वोर्ड सब एकदम सेफ है, बोर्ड देखिए लाइट वाइट सब सेफ है। उसी वही हाइलोजन की वजह से ही इतना बड़ा कांड हुआ है। अगर आप लोग अपने घर में ये चीज यूज कर रहे हैं, छोड़ दे, मेरी बात खेला खेला। अगर मेरी बच्ची दोस्तों शोर मचाने लग रही है, देखिए अगर आप लोग अपने घर में ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं तो सतर्क रहिएगा। कभी भी पहली बात अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट सारी लाइटें बंद करके जाइएगा, हम ये कहेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई भरोसा नहीं है। और क्या कहते हैं, निशा दीदी बहुत रो रही हैं दोस्तों, इतना समझा रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं फिर भी नहीं मान रही हैं, रोए जा रही हैं, रात भर रो रही थी, रात भर समझाया कि निशा दीदी रोइए मत सब ठीक हो जाएगा, रोइए मत सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात भर रोई हैं, इतना समझाने के बाद भी रो रही हैं। हम बोल रहे हैं इतना मेहनत करी है, मेहनत करेंगी फिर ठीक हो जाएगा, मेहनत करेंगी फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना उनके ऊपर विपत पड़ी है वही जानेंगी। क्योंकि जब मैं घर बनवाई थी मुझको रहने को नहीं मिला, मैं जब उस घर में से निकली थी तो मेरे साथ क्या बीत रहा था मैं ही जान रही थी। तो यही सारी बात है, कि हाथ भी काला हो गया, अब इतना छुड़ाने पे भी नहीं छूटा। क्या कर रही हो, बहुत अच्छा लगा आप, मैंने जो शांति वाला वीडियो डाला आप लोगों ने इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया कि दीदी आपको शांति के पास जाना चाहिए, भाभी आप जाइए, आप जाइए, कोई कुछ भी, इतना प्यारा प्यारा कमेंट आया, आप सभी को दिल से धन्यवाद। मैं यहाँ जैसे जैसे ही मुझे यहाँ से फुर्सत मिलती है मैं तुरंत शांति के पास ही पहले जाऊँगी। कल शांति से शांति के आदमी से बात हुई थी तो बोले कि भाभी हम भी चलें निशा दीदी के घर, मैंने बोला नहीं, पहले जो आगे है उसको देखो, हम जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई वैसी बात नहीं है, हम जा रहे हैं, हम देख लेंगे, पहले तुम शांति को देखो, शांति को देखने के बाद जैसा हो हमको फ़ोन करके बताओ। तो फ़ोन किया बेचारा, बोला कि भाभी हम आए हैं, दवाई लिए हैं, दवाई लेके बस जा रहे हैं, अभी 10 दिन का समय, आइए अभी 10 दिन का समय है भाभी, उसके बाद जैसा होता है मैं आपको फ़ोन करके बताता हूँ। तो कुछ भी होगा तो सनी सबसे पहले हमको फ़ोन करके बताएंगे, हमको पता है। और सभी लोगों ने इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया ना कि भाभी आप जाइए, मिलिए, आप सहारा दीजिए, मालती भाभी नहीं है, सपोर्ट करी, मतलब ए टू जेड कमेंट था, सभी बहुत प्यारा था। आप सभी को कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग जानते हैं कि देखिए हम लोग कुछ भी करते हैं तो पहले वीडियो डाल देते हैं ताकि कल को हम लोग के ऊपर कोई बात आए तो हम लोग वीडियो से प्रूव कर सकें कि हमको ऐसा कहा गया था, तभी हम लोग वो चीज़ किए हैं। और बाकी को देखिए रात भर मतलब साफ हो के, और देखिए पैर भी इनका सूज गया जो कील घुसा है ये, और दोस्तों कील जो भगता है कितना टबकता है आप लोग जानते ही हैं। ऐसे ये पूरा घुस गया था, ये पूरा घुस गया था, जैसे कूड़ा था ना कूड़े के नीचे लकड़ी नहीं दिखाई दी थी, बस इसी पे पैर रख दिए बस, और बाकी का उतना साफ किया आप लोग देखेंगे। और बाकी का आप लोग प्लीज़ आप सभी साथ जुड़ के रिक्वेस्ट, आप लोग शांति के लिए थोड़ी सी दुआ करिए कि शांति जल्दी से ठीक हो जाए, और जल्दी से जो भी डिलीवरी वाला मैटर है जल्दी से ठीक हो जाए। और शांति वीडियो में बोली है कि अगर बेटी होगी तो समझ लीजिए मालती मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, अगर बेटा होगा तो समझ लीजिए युवराज का भाई आ जाएगा। तो सही बात है, हम लोग भी चाहते हैं, अगर शांति चाहती है तो हम लोग भी चाहते हैं कि शांति के कोख से पहला जन्म हो तो मालती का हो, बेटी का हो, बाकी का भगवान की मर्जी है, भगवान जाने क्या है उस बंद मोटली में क्या है,
भगवान जानते हैं, विधान कोई नहीं जानता है। बाकी का जब होगा तभी सब कुछ होगा। और ये अरविंद भैया जो है रोज वीडियो डालते हैं, देखती हूँ, रोज बोलते हैं निशा उनको, शांति को बेटा हुआ, शांति को बेटा हुआ, कहाँ हुआ बेटा भाई, जुटा जुटा भुआ उड़ा था समझे। युवराज का है, युवराज बेटा नहीं है, युवराज तो है जो अब हो रहा है उसकी। तो हम तो पहले बता दिए हैं कि अभी समय है, दो हफ्ते की समय है, मतलब अरे मैं नहीं तोरे पर विश्वास करता, मैं धोखाधड़ी वाला काम नहीं करा, रोज वीडियो डाल था, आज हुई खुशखबरी, आज हो गई विष्णु की जमानत, बताओ रोज ही कुल वीडियो डाले, संदेश गलत जाता है। गलत संदेश कभी नहीं गया है, लोगों के प्रति हम हिम्मत और हौसला दिए हैं। अभी इस सारे मैटर में हम अपने दूसरे वाले ब्लॉग में बात करेंगे, क्योंकि मुझे इस मैटर में थोड़ा सा बात करना है कि जो इंजाम हम लोगों के ऊपर लगा था अब वो इंजाम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी नहीं अलग वाले मैटर में बात करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। बाकी का देखिए रात भर साफ सफाई की है, क्या हालत हो गई है, अभी फिर से साफ सफाई करेंगे, इस वजह से हमारा शॉर्ट वीडियो नहीं जा पा रहा, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।